लगता है कि रोहित शर्मा के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। पहले आईपीएल हुआ, आईपीएल में इंजरी हुई, इंजरी की वजह से कई मैचों में वो खेल नहीं पाए और उसके बाद टीम जब ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जा नहीं पाए, एनसीए में अपना रीहैब कार्यक्रम में जुड़े रहे। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तब तक दो टेस्ट मैच हो चुके थे, यानी दो टेस्ट मैच में वो खेल नहीं पाए, पहले की कोई सीरीज भी वो नहीं खेल पाए, तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां ही परेशानियां रही रोहित शर्मा के लिए। अब एक और परेशानी रोहित शर्मा के लिए खड़ी हो गई है सिडनी टेस्ट से पहले। जी हाँ, एक तो अच्छी खबर आई कि रोहित शर्मा को उपकप्तान बना दिया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का, लेकिन साथ ही एक खबर यह भी आई कि अब उनके एक मामले की बीसीसीआई जांच कर रहा है। जी हाँ, बीसीसीआई जांच कर रहा है उनके एक मामले की। मामला यह है कि पांच खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शाह एक रेस्टोरेंट में गए थे भोजन करने के लिए और वहां पर इन पर आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और अब बीसीसीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां पर हम आपको यह भी बता देते हैं कि वहां जो फैंस थे, फैंस ने उन्हें बहुत ही इंसिस्ट किया कि हम आपका, एक फैन ने कहा कि हम आपका बिल अदा करेंगे, पे करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने और पंत ने साफ मना कर दिया। ये कहा कि अगर आप हमसे पैसे नहीं लेंगे तो हम आपके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया बहुत ज्यादा और आखिरकार उनको पैसे नहीं चुकाने दिए। और लेकिन ये वीडियो जो है वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और तरह तरह की टिप्पणियां इस मुद्दे पर की जाने लगी। बहरहाल वो तो एक अलग मुद्दा था, लेकिन यहां पर हम आपको नियम बता देते हैं कि नियम क्या है। जो उल्लंघन की बात आ रही है, आपने नियम का जो उल्लंघन किया है उसका मामला कुल मिलाकर लबोलवाब ये है कि आप बाहर जो है आउटडोर में खाना खा सकते हैं, यानी वहां रेस्टोरेंट से आप खाना लाकर बाहर खा सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर इंडोर में खाना आप नहीं खा सकते। ये एक नियम, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नियम है जिसका उल्लंघन हुआ है और पंत ने फैन को गले लगाया ऐसा भी उन पर आरोप है, लेकिन ऋषभ पंत ने इस बात की को पूरे सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने किसी फैन को गले नहीं लगाया। ये बेवजह की बातें उड़ाई जा रही हैं। अब सोमवार को टीम जो है सिडनी के लिए रवाना होगी, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई को अपनी जांच के बाद ये पुष्टि करनी होगी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि जो कुछ हुआ है इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, कहीं कुछ हुआ है तो इस मामले को अब खत्म किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बीसीसीआई नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी खिलाड़ी पर कोई उंगली उठे या उससे किसी भी तरह से कोई प्रतिबंधित किया जाए। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि जब ये रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे ये सब खिलाड़ी तो इन्होंने सिर्फ खाना ही खाया और बॉडी टेम्परेचर भी चेक कराया, सैनिटाइजर भी लगाया, तब भी जाकर वो टेबल पर बैठे थे और किसी तरह के और कोई उल्लंघन की खबर सामने नहीं आई है। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है, क्या इन सब बातों से खिलाड़ियों की मनस्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।